नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश में करीब 10 महीने के बाद 18 जनवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को पहले चरण में स्कूल बुलाया जाएगा। इसे लेकर स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टोंक के निवाई में स्कूलों में गोले बनाने के साथ ही साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल स्कूल में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। इसे लेकर भी स्कूल प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। स्कूल में सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। क्लासरूम सहित पूरे स्कूल परिसर की सफाई करवाई गई है। वहीं विभागीय निर्देशानुसार स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया। जालौर जिले के महेशपुरा गांव में बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां यात्रियों से भरी एक बस बिजली की तार की चपेट में आ गई। इस दौरान करंट दौड़ने से बस सवार यात्रियों में से कई यात्री झुलस गए, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से 7 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया, जबकि 30 लोगों को इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी यह बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से बस महेशपुरा गांव में घुस गई थी। गांव में 11 केवी की लाइन के बिजली का तार बस से टच हो जाने के कारण उसमें आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 60 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 37 यात्री आग से झुलस गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। इधर घटना के बाद सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। साथ ही गंभीर घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे महेशपुरा गांव है हमारे से जालौर जिले से मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ड्राइवर रास्ता भटक गया था, जिस कारण से जब वो पैक करने लगा तो बस जो है वो बिजली की तार की चपेट में जो कंडक्टर था वो आया, जिसके कारण से ये घटना हुई। और अभी एक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किए, उनका इलाज MGH हॉस्पिटल बॉन्सपॉट में चल रहा है। और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालौर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पे DC सर, IG सर वहीं पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो बस वाला हादसा हुआ उसमें जैसे ही सूचना मिली उसने तुरंत जनता के सहयोग से और फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया और इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज किया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है, 6 डेड बॉडी है। सर, इस हादसे में किन की लापरवाही है? इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए। उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था, परंतु वो एक सिंगल रोड पे महेशपुरा की तरफ चले गए, करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के महेशपुरा गांव के चौक में चले गए। चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने, वहाँ भी एक बहस हुई उनकी। फिर वापस यूटर्न करके वापस घुमाया गाड़ी को, जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, तो कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो। ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया, कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त की है।
उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, सीएम ने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में लोगों की मौत होने से गहरा दुख हुआ है। इसमें 6 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, ईश्वर उन्हें इस नुकसान को सहने की शक्ति प्रदान करें। खबर अलवर के माजरी कलान से, जहां नीमराणा के पास मोलहडिया फ्लाईओवर पर घने कोहरे के चलते यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को भी बहरोड़ के रुखेड़ा गांव के पास घने कोहरे के कारण एक दर्जन वाहन आपस में टकराए थे। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां पलाड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो में सवार 8 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें कुचामन राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर कुचामन थानाधिकारी रामवीर जाखड़ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू की। खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां तारानगर पुलिया के पास रोडवेज बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस सवार एक दर्जन यात्री घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जयपुर में अजीतगढ़ शाहपुरा स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर एक बार फिर से बदमाशों ने गुंडागर्दी की है। लगातार दूसरे दिन भी टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर जमकर उत्पात मचाया। बंद गाड़ी में आए बदमाशों ने लूटपाट करके टोल कर्मियों से करीब 6 से 7 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। टोल प्रबंधक प्रदीप सिंह का कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं, इन्होंने शनिवार को भी टोल कर्मियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने के चलते इन्होंने दूसरे दिन भी इस घटना को अंजाम दिया है। पहले उन्होंने सब पता था कैसे क्या, उन्होंने कल भी लूटमार की है, ठीक है, और आगजनी की है। कल भी 2 लाख से ऊपर कैश लूटा है और आज रात को फिर दोबारा हमला किया और आज रात का कैश लूट के लेके कैश हो गया लगभग 15 से 20 हजार रुपए। अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में निर्माणाधीन मकान का कार्य चल रहा था, इसी दौरान कार्य कर रहे मजदूरों पर दीवार गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद मलबे को हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। फिलहाल 3 मजदूरों का अस्पताल में उपचार जारी है, जिसमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जो घटना की जांच में जुट गई है। टोंक पुलिस ने उनियारा थाना इलाके में एक घर में हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही इस वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 बदमाश यूपी के फरुखाबाद की आकाश गुप्ता गैंग के हैं। इन बदमाशों ने शनिवार को उनियारा थाने के खातौली गेट निवासी इंद्रमोहन जैन के घर में डकैती डाली थी। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट भी की और सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की नकदी लूट कर ले गए। पुलिस ने वारदात का पता लगते ही इलाके में नाकाबंदी कर दी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और वारदातें भी खुलने की संभावना है। में ये शाम को 7 बजे घटना है। एक जैन दंपत्ति थे, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन थे,
उनके घर में घुस करके कोई सामान लेने के बहाने, खरीदने के बहाने अंदर घुसे, और घुसने के बाद उन्होंने उस दोनों बुजुर्ग दंपतियों के हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांध के उनको बंधक बना दिया और काफ़ी शार्प वेपन की उनके इंजरी करी, चोटें करी, जिससे दोनों घायल हो गए। वर्ग जो महिला जो थी जैन दंपति में, उनके काफ़ी चोटें आईं और काफ़ी सीरियस थी। उसके बाद ये कोई वाइट कलर की योना कार लेकर के आए थे और उसको लेकर के ये वहाँ से फरार हो गए थे। खबर जालौर के सायला से, जहां थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने दो तस्करों को धर दबोचा, साथ ही एक देशी पिस्टल में मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही 4,70,000 रुपए की नकदी बरामद की, साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ जिले की डग पुलिस का अवैध हथकर शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग जगह से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद क्षेत्र में अवैध हथकर शराब के खिलाफ कार्रवाई में डोबड़ा रोड से 10 लीटर अवैध हथकर शराब और देवगढ़ रोड से श्याम सिंह को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र से, जहां अवैध बजरी परिवहन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मित्रपुरा और जस्टाना क्षेत्र में एसएचओ नरेश मीना ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर जब्त किया, साथ ही एक डंपर चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे में बजरी खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई बजरी चालक खेतों के रास्ते इधर उधर भागते हुए नजर आए, तो वहीं पुलिस ने जब्त वाहनों पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमान डी जी साहब और एसपी साहब के जो पीएचक्यू का जो अभियान चल रहा है अवैध माइनिंग के खिलाफ, उसके तहत हमने आज कार्रवाई करते हुए एक डंपर उसके चालक सहित एमएमडीआर का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हमने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रोलियाँ अवैध बनास बजट से भरे हुए जब्त किए। और अब खबर भरतपुर के डीक से, जहाँ खो थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जैसलमेर के फलसुंड में मासूम बच्चे की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बच्चन सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कुकर्म के बाद हत्या करना कबूल किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। और अब खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को अजंता चौक से दबोचा, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि 2015 में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया था, इसको लेकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक विवाहिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि दो व्यक्ति जिनमें एक का नाम सद्दाम है और एक का नाम मुबीन है, इन्होंने उनके साथ मिलकर के सामूहिक दुष्कर्म किया। मुबीन 2015 में अरेस्ट हो गया था, सद्दाम तब से फरार चल रहा था। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने बीते दिनों मोबाइल शॉप से हुई करीब 50 लाख की लूट का खुलासा करते हुए भारत नेपाल बॉर्डर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेलवा वेलवा घोड़ा हसन गैंग से ताल्लुक रखने वाले सभी आरोपी बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 95% माल बरामद कर लिया है, जबकि गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि भिवाड़ी बाईपास के पास एक निजी कॉम्प्लेक्स में 28 दिसंबर को मोबाइल शॉप से 50 लाख की लूट का मामला सामने आया था। प्रदेश में यह किसी मोबाइल शॉप से की गई अब तक की सबसे बड़ी लूट की वारदात थी। ऐसे में भिवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
28 दिसंबर को भिवाड़ी स्थित आईफोन शोरूम में जो वारदात हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख के प्रीमियम आईफोन और सैमसंग के महंगे वाले फ़ोन चोरी गए थे, उसमें घोड़ा सहन जिला मोतिहारी भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक कस्बे की गैंग को हमने नामजद किया। इस गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए और करीब 95% मोबाइल फ़ोन की हमने रिकवरी कर ली है। सभी जो हैं आरोपी नामजद हो गए हैं, चिन्हित हो गए हैं और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास जारी है। सर, ये गैंग किस तरह ऑपरेट करती है, क्या इनका मोडस ऑपरेंडिस है और उसके बाद ये किस तरह, जिस तरह आपने बताया बॉर्डर पर या नेपाल में जाकर ये छुप जाते हैं, तो आपने किस तरह इनका मतलब पता चला? घोड़ा सहन कस्बा एक आपराधिक रूप से काफ़ी बदनाम कस्बा है भारत नेपाल सीमा पर। वहाँ के गैंग्स जो हैं प्रीमियम मोबाइल फोन्स के शोरूम पे सेंधमारी करते हैं, पूरे देश में लोग ऑपरेट करते हैं, दक्षिण भारत तक जाके वारदात। प्रतापगढ़ के जोलर के जंगल में दो पैंथरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसमें एक पैंथर की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पैंथर का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान वन विभाग ने पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद मृत पैंथर का अंतिम संस्कार कराया गया। उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि पैंथर के शरीर पर कई घाव थे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि इसकी अन्य पैंथर से संघर्ष के दौरान मौत हुई है। खबर भरतपुर के कामा से, जहां वरौली धाऊ गांव में कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों की जानकारी दी गई। वहीं विधायक जाहिदा खान ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों से आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। किसान नेता कभी बीजेपी में नहीं है, किताब पढ़ने से कोई किसान नेता नहीं होता। किसान नेता बनने के लिए आदमी को किसान होना बहुत ज़रूरी है। उनमें कोई सारे पूंजीपति हैं और आपने ये देखा भी 2014 में जब मोदी जी पहली बार झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अमीर को और अमीर करने का काम करा। किसी भी गरीब आदमी का कोई कर्जा माफ नहीं करा ना माफ। सार विदेश अमीरों का करा, अडानी अंबानी इन लोगों को और मालदार करा। और अब खबर पाली के तकतगढ़ से, जहां नगरपालिका चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पूर्व भाजपा पालिका अध्यक्ष ने निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति पर चर्चा कर पार्टी में विरोध का बिगुल फूंक दिया। पार्टी कार्यकर्ता जगदीश रावल, जयंती जैनम, कमलेश रावल आदि ने अपना रोष प्रकट किया और भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही भ्रष्टाचारियों को टिकट देने पर पार्टी के बैनर और दुपट्टे जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं जिला अध्यक्ष मंशाराम परमार ने कहा कि जिन्होंने पार्टी के बैनर और दुपट्टे जलाए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर पालिका के टिकट वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। दुपट्टे या चदरे जलाए, और अगर ऐसा हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हम शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में अवगत कराएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर ऐसा कर्तव्य किया है तो तुरंत प्रभाव से उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। मेरे को इन लोगों से पूरा विरोध है, टिकट करके ये भ्रष्टाचारियों से, और भ्रष्टाचारियों ने बीजेपी में बहुत घोटाला किया है, और मेरे को टिकट नहीं देना ये भी एक गलत चीज है। क्या पहले मेरे को भरोसे में रखा कि आपको टिकट मिल गया है, और मैंने सब ये लेके आया, मैं सब उनके लिए तैयार किया था, और लास्ट में मेरे को 10 बजे बोला कि आपका टिकट कट गया। और इस खबर पर संवाददाता अरविंद कुमार जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है टिकट वितरण में भेदभाव का, जो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के जो बैनर भी जलाए, झंडे भी जलाए, अभी क्या इस वक्त पार्टी ने कोई कार्रवाई करी है और आगे इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नगर पालिका चुनाव 28 जनवरी को होने जा रहे हैं, उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद दोनों पार्टियों में घमासान तेज हो चुका है। आज भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बैनर व दुपट्टे जलाकर
विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के विधायक व जिला अध्यक्ष का कहना है जो भी कार्यकर्ता ने इस तरह की हरकत की है उनको पार्टी से बर्खास्त करने की भी बात कही है और कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं, जो भी है कि निर्दलीय का बोर्ड बनेगा ऐसी बात कह रहे हैं कार्यकर्ता। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अरविंद जोशी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो नगर पालिका चुनाव है उनमें टिकट वितरण को लेके जो वहां के जो स्थानीय नेता हैं भाजपा के उनमें नाराजगी है और कहीं ना कहीं नाराजगी उन्होंने झंडे और बैनर जला के प्रकट की है, जिस पर पार्टी का कहना है कि आगे इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के टिकट वितरण को लेकर अक्सर ऐसी नाराजगियां सामने आती हैं जब पार्टी में कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कवायद भी की जाती है, लेकिन यहां जो विरोध का तरीका था वो पार्टी के झंडे और बैनर जलाए गए उसको लेकर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और टिकट वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। भाजपा लगातार टिकट वितरण को लेकर यह कहती भी रही है कि जिताऊ और कर्मठ कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा और अब भाजपा के ही कार्यकर्ता टिकट वितरण के बाद उनमें विरोध के स्वर फूट रहे हैं। तो तखतगढ़ नगर पालिका का यह मामला है जहां टिकट वितरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया है। कई भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने टिकट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है और इसी विरोध के चलते उन्होंने जो पार्टी है उसके झंडे और बैनर जो है उनकी होली चलाई और इसको लेके पार्टी का रवैया भी काफी सख्त है। और इस खबर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसाराम परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसाराम जी, जिस तरह से पार्टी में कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि टिकट वितरण में भेदभाव किया गया है और जो बैनर हैं झंडे हैं उनकी होली भी जलाई, इस पे आपका क्या कहना है? पार्टी का रवैया किस तरह रहेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ में हम टिकट का वितरण होता है, हमारी समन्वय समिति बैठती है और टीम टीम का पैनल लेकर बैठते हैं और उसके बाद में समन्वय समिति तय करती है कि भाई हाँ एक नंबर पे इसको रखो, दो नंबर पे इसको रखो, तीन नंबर पे इसको रखो, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में होता है हमारे। लेकिन ये जो घटना हुई है जी, ये दूसरों ने बड़ा चढ़ाकर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे इसमें, ठीक है, एक दो कोई दास समझ थे वो साथ खड़े हुए होंगे, बाकी सब दूसरे लोग थे जी और हमारे पार्टी में ऐसा कोई प्रकार का विरोध नहीं है। मनशाराम जी, लेकिन देखिए जो टिकट वितरण को लेके जो भेदभाव का जो आरोप लगाया है कार्यकर्ताओं ने और ये इस तरह से झंडे भी जलाए हैं, अपना विरोध प्रकट किया है, तो क्या आप पार्टी इस बात पे कायम है कि इस पे कड़ा रुख हो सकते हो? जी वो दूसरे लोग हैं उसमें, पार्टी का एक वो कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, वो ठीक है ना समझ कार्यकर्ता उसके साथ में खड़ा हुआ होगा और उन्होंने ये मांग करने की कोशिश की दूसरे लोगों ने, तो इस पर पार्टी अब कड़ा रुख अख्तियार करेगी अपना जी पार्टी अपना कड़ा रुख अख्तियार करेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? अभी हमारा कोई मेन कार्यकर्ता होंगे तो करेंगे जी, तो देखा तो नहीं अभी तक कार्यकर्ता का ऐसा कोई बड़ा कोई नाम आया, कार्यकर्ता हमने जांच की है जी, फिर भी उसकी पूरी जांच करेंगे कि क्या कार्यकर्ता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार जो बता रहे थे कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया टिकट वितरण में, पूरी तरह से समन्वय समिति की बैठक के बाद टिकट वितरण किया गया। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।